हे दोस्तों नमस्कार, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, मेरा नाम आर्यन जायसवाल है और मैं अपने इस चैनल पर बेसिकली जो भी तैयारी होती है गवर्नमेंट जॉब्स की वो आपको करवाता हूँ। रोज़ शाम को 7:30 बजे एक लाइव टेस्ट होता है जहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, जहाँ पर आपको करंट अफेयर, GK GS, हिंदी, रीजनिंग सारे के सारे जो टॉपिक है कवर करवाए जाते हैं। तो 7:30 बजे जो लाइव टेस्ट होता है उसमें जुड़ना मत भूला करिए। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा मैं अपने चैनल पर जो भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट होती है, ऑल इंडिया जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनकी अपडेट मैं आपको पर देता रहता हूं। तो आज आप सबके लिए यूपी के सभी अभ्यर्थियों के लिए 6000 प्लस पदों के जो आवेदन हैं इनके लिए मैं आपको बताने वाला हूं, और यूपी TSSC और अन्य विभाग में जो आवेदन है वो आने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं हर वीडियो में एक क्वेश्चन देता हूं, तो आपको जवाब देना है इसका जवाब। क्वेश्चन आपके सामने कि जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि और वीडियो का जो भी सही जवाब देगा उन सबको जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो वहां पर आप जुड़ करके स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। तो इसका जो जवाब है आप लोग कमेंट करके बिल्कुल सही सही दीजिएगा। तो चलिए आते हैं आज के वीडियो पर। तो बेसिकली यहां पर आप देख सकते हैं अमर उजाला की ये न्यूज है कि चुनाव से पहले पुलिस विभाग में 6500 पदों पर होंगी भर्तियां। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस विभाग में चुनाव से पहले 6500 पदों पर भर्तियां होंगी। इसके अलावा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर कि वायरलेस में 1586 पदों के लिए 28 फरवरी और उप निरीक्षकों के 5000 पदों के लिए मार्च में जारी हो सकते हैं विज्ञापन। जी दोस्तों, आप यहाँ पर पूरी न्यूज़ देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड चुनाव से पहले 6500 से अधिक पदों पर भर्ती करने की तैयारी कर रहा है। इसमें वायरलेस की 3 रैंक के 1586 पद और नागरिक व प्लांट कमांडर के लगभग 5000 पद शामिल है। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा, तो नाम तो कम से कम याद ही कर लो, राजकुमार विश्वकर्मा की माने तो वायरलेस के 3 अलग अलग रैंक के 1586 पदों के लिए प्रस्ताव मिला है। इसमें रेडियो प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिक के 604 पद, रेडियो सहायक परिचालक के 870 पद और रेडियो कर्मशाला कर्मचारी के 112 पद शामिल है। और इसके लिए 28 फरवरी तक विज्ञापन जो है वो जारी हो सकता है और मार्च के अंत तक ऑनलाइन आवेदन और चुनाव के बाद जो परीक्षा है वो आपकी कराई जाएगी। यानी कि चुनाव के पहले आपका जो आवेदन है वो हो जाएगा और चुनाव के बाद जो आपकी परीक्षा जो है कराई जाएगी, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा तैयारी करने के लिए। इस तरह आप देख सकते हैं कि टोटल 5000 उप निरीक्षकों के लिए भी मार्च के मध्य तक विज्ञापन जो है जारी किया जाएगा, यानी कि मिड फरवरी मार्च तक आपका जो विज्ञापन है वो आ जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग तैयारी कर लें। और आपको पता है कि जेल वार्डन की जो फॉर्म आप लोगों ने भरा है उसकी जो लिखित परीक्षा है वो अगले महीने होने की पूरी पूरी उम्मीद है, यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं UP TSSC की तरफ से, तो आप देख सकते हैं कि UP TSSC जहाँ दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण के साथ पहला विज्ञापन जो है UP TSSC ने जो जारी कर दिया है। अभी कल ये वैकेंसी आई है 420 पदों के लिए। तो बेसिकली ये जो वैकेंसी है वो यहाँ पर उन्हीं को फ़ायदा मिलने वाला जो कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट असिस्ट के जिनके पास से क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है, उनके लिए 420 पदों की आवेदन जो है आया है और 18 मार्च तक ये जो फॉर्म है भरा जाएगा। और बेसिकली इसके अलावा अगर इस भर्ती के बारे में बात करें तो ये भर्ती जो है इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान के साथ गणित या जीव विज्ञान समूह उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा 2 वर्ष का आपके पास फार्मासिस्ट डिप्लोमा और 3 महीने का होम्योपैथिक फार्मासिस्ट प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए। तो ये इसकी जो वरीयता है वो काफ़ी कम लोगों के पास होगी, तो वो लोग जिनके पास है वो लोग भर सकते हैं, ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा। इसके अलावा इनकी तरफ से भी आपके जो क्या बोलते हैं UP TSSC की तरफ से भी मार्च में जो आवेदन आने वाला है वो आने वाला है आपका लेखपाल का। तो लेखपाल के लिए तैयार रहे कि इस बार ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि मार्च में उसका जो आवेदन है वो हो जाए, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैं आपको बताया था इसके बारे में कि आपका ये 420 पदों का जो आवेदन है वो आने वाला है, और देखिए इसी महीने में आ गया। और जो लेखपाल की वैकेंसी है उसकी चीज़ें क्या है वो लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो वैकेंसीज खाली होनी है वो सही से क्लियर नहीं हो पा रही है। जो भी क्या बोलते हैं रिपोर्ट देना है, रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट तैयार नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से अभी क्लियर नहीं हो पा रहा कितनी वैकेंसी है कितनी नहीं है, तो यहाँ पर उसके लिए इसी वजह देरी हो रही है। लेकिन ये समझ लो कि मिड मार्च तक उसका जो भी फॉर्म है वो आ जाएगा, तो सारे लोग बिल्कुल तैयार रहो। और जो जानकारी है वो आपको हमारे चैनल पर लगातार इसी तरह प्रोवाइड की जाएगी और जानकारी आपको मिलती रहेगी सही समय पर, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और वीडियो का एग्ज़ाम के काफ़ी लोग कमेंट करते हैं वीडियो का रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो वीडियो का रिजल्ट जो है मार्च के 1st या 2nd वीक तक आप लोग उम्मीद रखो। देखो आपका जो ये रिजल्ट है आपका ये आ ही गया है युवा विकास कल्याण वाला, अब इसके बाद वीडियो का ही नंबर है, तो सब लोग तैयार रहना। और इसके अलावा जो भी मैंने आपको यहाँ पर सवाल दिए हैं इसका जो जवाब है आपको कमेंट करके बताना है कि जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अब दोस्तों, अगर आपके पास
कोई भी कमेंट हो, डाउट रहा करे, तो आप लोग कमेंट करके पूछा करो, और जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो आप लोग कमेंट करके पूछा करो, अपने सुझाव व्यक्त किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग की कोशिश किया करो कि वीडियो को शेयर किया करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आके देख सके कि क्या चीज़ें चल रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अपडेट जो है मिलती रहे। तो दोस्तों आपको हमारे चैनल की तरफ से ऐसे ही अपडेट रोज़ मिलते रहेंगे, और जो तैयारी है वो चलती रहेगी। तो 7:30 बजे जो तैयारी चलती है, जो लाइव टेस्ट चलता है, सब लोग उसमें जुड़ना मत भूले। बहुत ही अच्छे अच्छे सिलेक्टिव क्वेश्चन जो आपको करवाए जाते हैं विद एक्सप्लेनेशन। कई सारे चैनल मैंने देखे कि वो एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो सारे क्वेश्चन है वो करवाता हूँ। तो आई होप आपको जो आज का वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।